हेलो दोस्तों, कार पार्ट सेल सिमुलेटर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हमारा टारगेट है कि जल्दी से 5 मिलियन डॉलर कंप्लीट करने हैं, बहुत सारे पैसे कमाने हैं। और उसके लिए चलते हैं जल्दी से, कार मार्केट प्लेस ओपन है और देखते हैं कोई स्पोर्ट कार मिले वो खरीद लेते हैं और फिर बेच देते हैं। अपने पास आज है करीब 1.6 मिलियन डॉलर। और भाई सामने ओ दो दो स्पोर्ट्स कार हैं, तीन हैं, और तो कुछ है नहीं। नहीं इधर तो कुछ नहीं है, एक BMW है इधर स्टार्टिंग में ही लगी है, एक फरारी और सुपरा। सबसे पहले फरारी को देखते हैं कितने रुपए में देगा। लेरारी F45 भाई 4,26,000 डॉलर, बहुत महंगी दे रहे हैं यार। हमें ऑक्शन में अच्छे प्राइस में मिल जाती है फरारी, बट यहाँ पर बहुत महंगी होती है। देखता हूँ 3 लाख में मिलेगी क्या। नहीं भाई, 3 लाख में भी नहीं मान रही है ये, फिर बहुत ज़्यादा है यार। क्योंकि फरारी अगर मैं 4 लाख में खरीदूँगा तो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिलेगी। फरारी का सेल प्राइस अराउंड 5 लाख तक ही होता है। और लो, नाराज़ हो गए भाई, आजकल कस्टमर बहुत जल्दी नाराज़ हो रहे हैं। चलो कोई नहीं, लैम्बोर्गिनी कितने की देगा, 5.5, 5,22,000। देखो लैम्बोर्गिनी भी उसी प्राइस के आसपास मिली है, देखता हूँ 3.5 में देगा। नहीं भाई, देर इज़ नो पॉइंट ऑफ मेकिंग मी एंग्री, ऐसा बोल रहे भाई। ये लोग गुस्सा बहुत होने लगे हैं, मुझे जल्दी से अपना स्किल पॉइंट ओपन करना पड़ेगा। लो बार्गेन भी ख़त्म कर दिया यार। और सुपरा तो मुझे खरीदने का मन नहीं है, एक तो पहले से ही डैमेज है और सुपरा में ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं मिलता है। तो कोई ना, अभी हम नहीं खरीदेंगे, एक भी सुपर कार नहीं खरीदेंगे। नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे कार फॉर सेल में, कार मार्केट प्लेस में। क्या बोलूँ मैं, एक्चुअली अभी जाके देखते हैं ऑफिस में अपने क्या है, या दूसरे दिन मैं देखूँगा ऑक्शन में कोई स्पोर्ट्स कार मिल जाए तो बेटर है। फिलहाल तो ऑफिस में अपने पास बहुत सी कारें हैं, अपना कार कलेक्शन बढ़िया है। बट मैं सोच रहा हूँ ना, ये फेरारी और लैम्बोर्गिनी दोनों बेच देते हैं, तब जाके कुछ पैसे मिल जाएंगे। और अपने पास देखो सामने दो सुपरा वैसे भी खड़ी है, एक फेरारी। जो सामने वाली कार है वो अपना कलेक्शन रहेगा, वो मैं कभी नहीं बेचने वाला। इनमें से हो सकता है एक सुपरा मैं बेच दूँ, बट लैम्बोर्गिनी यार, लैम्बोर्गिनी तो बेचना ही। और ये फरारी क्या अच्छी लग रही है, और ये अपनी ऑल टाइम फेवरेट GTR भाई, इसकी स्पीड टॉप है। मुझे नहीं पता जो दो अपडेट में नई कार आई हैं, अरे ये कहाँ गई भाई, कुछ भी क्लिक हो जाता है और कहीं भी चली जाती है गाड़ी। हाँ मैं बोल रहा था, मुझे नहीं पता अभी जो दो नई अपडेट में कार आई हैं उनकी स्पीड क्या होगी, बट अभी तक की तो मुझे GTR की टॉप स्पीड लगी, जो कि रेस कंप्लीट कर देती है अराउंड 7 7 सेकेंड में। नहीं, 7 सेकेंड और 7 मिनट, 7 सेकेंड होता है ना। हाँ अपने 7 सेकेंड होते हैं और गेम के लिए होता है 7 मिनट्स, ऐसा ही कुछ चलता है गेम का। ये पर सेकेंड पर मिनट होता है, ऐसा रियल पर सेकेंड और गेम का पर मिनट होता है। काफ़ी गंदी हो गई है, जल्दी से साफ कर देते हैं। अपने सुरेश चिचा क्या कर रहे हैं, सुरेश चिचा गाड़ी अच्छा उधर साफ कर रहे हैं, उधर सफाई कर रहे हैं। इनका भी यार स्किल अपडेट करना है, ताकि इनके हाथ में भी वाटर वाला वो आ जाए, वाटर क्लीनर, जिससे वो जल्दी जल्दी गाड़ियाँ साफ़ होंगी। तो अभी स्किल तो हम ऐसे ही गाड़ी साफ़ करके ही कर सकते हैं। तो ये साफ़ हो गई कंप्लीट, जल्दी जल्दी से साफ़ कर लेते हैं। मोनू चचा, ओ सॉरी मोनू चचा नहीं, सुरेश चचा तो इधर भी आ गए हैं। ये तो क्लीन है फरारी भाई, इसका कलर क्या अच्छा लग रहा है, कितना मस्त है, क्रोम कलर में मैंने बनाया है। ये भी क्लीन है, कोई गंदी नहीं है, सुरेश चचा अच्छा काम कर रहे हैं। तो चलो जल्दी से इन्हें सेल पे लगा देते हैं, जल्दी से बेचे और पैसा आए। लैम्बोर्गिनी क्लच 5 लाख में खरीदी है भाई मैंने इसे, क्या ये 8 लाख इसके मिलेंगे, 8 लाख ही डालूंगा मैं, 7,999 मिलने चाहिए यार, एटलीस्ट 3 लाख तो प्रॉफिट हो। और फिरारी, फिरारी ये ऑक्शन में खरीदी थी, ये सस्ती होगी, आई रिमेम्बर। अरे
ऑफिस ओपन कर देता हूँ तब तक, ताकि कस्टमर भी जल्दी से आने लगे। देखो फरारी कितनी सस्ती, ये वाली ऑक्शन में मैंने खरीदी थी 1.6, ऐसा ही है ना, 1,65,000। हाँ और इसके तो 3,00,000 मिलने चाहिए। चलो जल्दी से मैंने लगा दिया, अभी कस्टमर आ जाए, मेरी गाड़ियाँ सेल पे लग चुकी हैं। और आप लोग बताओ यार, कोई चैलेंज वैलेंज दो, किस गाड़ी का चैलेंज करूँ, सारी सुपरा बेचूँ या कोई रेस करूँ, कुछ बताओ। मैं सोच रहा हूँ ना नेक्स्ट वीडियो में सारी जो अपनी स्पोर्ट्स कार हैं उनकी टॉप स्पीड चेक करते हैं। चलो अभी कस्टमर तो कोई नहीं आ रहा है, तब तक हम चलते हैं रेस में, देखते हैं कोई कार है। अरे कस्टमर आ गया, वेट, कस्टमर आ गया है। तो अभी रेस में बाद में जाएंगे, सबसे पहले देखते हैं मोनू चीचा क्या कर रहे हैं। ओ सुरेश चीचा, यार मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार, मैंने ही नाम रखा और मैं मोनू बोलता हूँ। हेलो मैम, अरे 5,00,000 भी नहीं दे रही है मुझे, 8,00,000 कैसे मिलेंगे? सॉरी आप नहीं खरीद सकते, मैं आपको नहीं बेच रहा 5,00,000 रुपए में, इतने की तो मैंने खरीदी, इससे ज़्यादा की 495 बोल रही है और मैंने खरीदी है 499 की। भाई क्या है ये, इससे ज़्यादा 4,000 रुपए मैंने लगाए हैं। वो दो और कस्टमर आ गए, ये तो दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों भाई सेम ही गाड़ी के पास जाएंगे। हाँ दोनों को एक ही गाड़ी चाहिए। चलो अभी कस्टमर आ रहे हैं मेरे, अरे वो कहाँ जा रहा है, मुझे लगा ऑफिस के अंदर जा रहा है। ये भी कुछ खास नहीं दे रहा है। हेलो सर, आप कितने रुपए दे रहे हो? 7 के ऊपर बात करना तभी मैं बेचूँगा। 5,48, यार कोई 6,00,000 पे भी नहीं जा रहा है। हेलो सर, आपसे बार्गेन करता हूँ मैं, 36 बोल तो रहा है, 7.5 देगा ये? नहीं 7 में ही देखता हूँ, 7 दे दिया, एक ही फर्स्ट एंड लास्ट ऑफर है आपके लिए। और बिक गई भाई, 7,00,000 की बिक गई, तो हमें टोटल 2,00,000 का प्रॉफिट हुआ है। गले में खराश, अभी दूसरा कस्टमर नहीं आ रहा है यार, जल्दी आ जाओ। कस्टमर आने में टाइम क्यों लग रहा है? देखो अभी भी लिखा हुआ है कस्टमर इन द ऑफिस, बट है कहाँ कस्टमर? भाई ये कैसे ग्लिच हैं, डेली मुझे कोई ना कोई ग्लिच दिखता है इस गेम का। तो ठीक है, जब तक कस्टमर नहीं आ रहा है, या आ रहा है, कोई दिख नहीं रहा है यार, क्यों लिखा हुआ है ये कस्टमर इज इन द ऑफिस, कस्टमर इन द ऑफिस। अच्छा आ गई, हेलो मैडम, मैं ये गाड़ी साफ करके आता हूँ आपके पास, थोड़ी सी गंदी हो गई है। सुरेश अंकल क्या कर रहे हो, मेरी गाड़ी साफ करो। सुरेश अंकल थोड़ा बिजी है दूसरी गाड़ियों में। अरे ये तो सुरेश अंकल ही हैं मैडम, अच्छा ये मैडम इनके पीछे हैं। जी मैम, आप कितने रुपए दे रहे हो? ओह सही है यार, 4,00,000 में मांग रहा हूँ और 3,95 दे रही है, और ये सेम प्राइस देगी। हाँ here we go, तो ऑफिस बंद करते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ रेस ट्रैक पे, अभी मुझे रेस करनी है। स्किल पॉइंट यार एक ओपन करना है, बट मेरे पास है नहीं, एक्सपीरियंस गेन करना है। पहले जाता हूँ मैं नेबरहुड और सो के आता हूँ फिर से। यहाँ तो कोई सुपरा नहीं है, बट मुझे सुपरा ख़रीदनी भी नहीं है, जल्दी से सोएंगे और ऑक्शन का वेट करेंगे। भाई आज का प्रॉफिट बहुत है यार, 10,24,000। अच्छा आज के दिन मैंने कोई गाड़ी परचेज़ नहीं की ना, एक ही केवल किया, तो ऑक्शन, हाँ ऑक्शन है आज, देखते हैं भाई मुझे कोई सुपर कार चाहिए जो नई ऑक्शन में आई, जो नई अपडेट में आई है 4 कार। इधर तो कोई दिख नहीं रही, मैंने यार किसी का वीडियो देखा था तो यहाँ नेबरहुड में माजदा बेच रहे थे, बट पता नहीं वो ग्लिच था या क्या था, बोल रहा था फेक कार है। ऑडी S4 नहीं चाहिए सर, एक तो कितनी टूटी हुई है और ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलेंगे इसके। हमें ना सारी सुपर कार ही खरीदनी है जिसमें प्रॉफिट हम ज़्यादा गेन कर सकें। 11,000-12,000 की गाड़ियाँ खरीद के प्रॉफिट भी 11,000-12,000 का ही मिलेगा,
तो फायदा क्या है बिड़ू। चलो जल्दी से चलते हैं, चेक करते हैं ऑक्शन में क्या गाड़ी आई है। होप यार, होप 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 मुझे कोई अच्छी सी गाड़ी मिल जाए। अभी तो अपने पास एक ही रेयर कार मिली है, वो भी GTR। यार इसकी स्पीड अच्छी है, मैं सोच रहा हूँ इससे भी रेस करके देखूँ। अरे रुक जा, थोड़ा ब्रेकिंग सही नहीं है। ABS होने के बावजूद भी ब्रेक नहीं लगती सही से। तो 11 बजे है ऑक्शन, और ऑक्शन होने से पहले हम इधर से देख लेंगे कौन सी कार आई है। अरे ये तो नहीं है, ये रेजर है शायद, ये मर्सिडीज है, और इसका नाम मुझे पता नहीं है, इसका नाम भी नहीं पता। कोई कुछ भी नहीं मिला यार, कोई स्पोर्ट्स कार नहीं मिली, या फरारी या फिर ऑडी मिल जाती तो, कुछ नहीं मिला। पर इस गेम में देख रहे हो ये तीन चार गाड़ियां एक साथ चलती हैं, ऐसे क्यों? थोड़ा दूर दूर चले लाइन, जैसे चींटियों की नहीं चलती एक साथ, 6 7 10 15 चींटियां एक साथ जाती हैं, वैसे ये गाड़ियां भी जाती हैं। तो भाई मैं आ गया हूँ रेस ट्रैक पे। ओ भाई लैम्बोर्गिनी, क्या मैं लैम्बोर्गिनी से ये रेस जीत सकता हूँ अपनी BMW के साथ? 10 हज़ार भाई, अपने पास बड़ी गाड़ी तो ज़्यादा पैसे। अभी मेरे पास बड़ी होती तो वही 300 400 500 डॉलर। फिर भी मैं ट्राई करूँगा, वैसे मुझे कॉन्फिडेंस तो नहीं है यार लैम्बोर्गिनी से जीतना, BMW आसान नहीं है। चलो फिर भी देखते हैं, देखते हैं गियर। एक तो यार इसमें ना गियर वाला सिस्टम आ गया है, अब गियर मुझे समझ में नहीं आती कहाँ पे डालना है, कभी लेट होता है कभी गुड होता है। मुझे बेस्ट चाहिए, बेस्ट वो हो नहीं पाता। गो भाई, शुरू में इनिशियल में तो हम चले गए, और बेस्ट शिफ्ट, फिर से बेस्ट शिफ्ट, भाई हम आगे। अरे ये लेट हो गया, आगे हैं अभी, आगे अभी। ओह शिट यार, निकल गई लास्ट में, निकल गई भाई। हम बस जीतने वाले थे 11.8 और 11.3, और जीत सकते थे। हमें लास्ट वाला जो लेट हुआ ना यार, नहीं यार चलो वापस आ जाओ भाई, अगर सुपरा होती तो मुझे पक्का पता है जीत लेते, सुपरा से जीत लेते। तो अभी मैं फिर से आ गया हूँ कार मार्केट में, और यहाँ फिर वही BMW है, BMW कूप। जी सर, 84 हज़ार की दे रहा है, इसके तो मैं 1.5 लाख तक ले सकता हूँ, इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। फिर भी देखता हूँ 72 हज़ार की देगा क्या ये, क्योंकि यार अभी मुझे 5 मिलियन करना होगा। 5 मिलियन में तो मुझे जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कार खरीद के बेचनी होगी, तभी मुझे 5 मिलियन का टारगेट कंप्लीट कंप्लीट कर पाएंगे। तो भाई BMW तो मिल गई है, उसे भेज दिया मैंने रिपेयर के लिए, ये तो कोई ख़ास गाड़ी है नहीं। और ये है अपनी लम्बगिनी क्लच, 4.5 लाख बोल रहे हैं, 4 लाख में दे देनी चाहिए आई थिंक। सो मिल जाएगी हमें, 4 लाख तक मिल जाएगी, बट मैं थोड़े कम ही प्राइस डालूँगा। कितने डालूँ? 3888, 3,88,000 में दे देगा आई थिंक, दे देगा। यू मेड अ रियली गुड चॉइस, देगा मिल गई भाई। इसमें डैमेज वैमेज तो कुछ है नहीं, फिर भी मैंने भेज दिया एक। ओ भाई सुपरा भी है, एक मिनट फरारी पहले ट्राई करते हैं। अपने पास 2.2 मिलियन अभी भी हैं, 22 लाख डॉलर। भाई फरारी यहाँ तो ठीक प्राइस में मिल रही है, 286, 2,22,000 की देगा, देगा। आई एम रियली स्टार्टिंग टू गेटिंग एंग्री भाई, ये लोग एंग्री बहुत जल्दी हो रहे हैं, ये क्या है, गुस्सा क्यों होते हो? नहीं देना मत दो, 42 की तो देगा ना। थैंक यू फॉर द ट्रांजेक्शन, चलो मिल गई। इसकी भी कंडीशन अच्छी है यार, बहुत अच्छी है, इसे टो कर देते हैं अपने ऑफिस। सुपरा, हेलो मैम, तो या तो सुपर 51 हज़ार का बार्गेन करूँ, मुझे 42 तक मिल जानी चाहिए आई होप। 42, 222, हियर आर द कीज। तो सुपरा भी मिल गई भाई, एक कार खरीदने के 10 XP मिलते हैं, 10 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं हमें, तो कार खरीदो बेस्ट। ये थोड़ी महंगी है यार,
विंटेज कार इसके 46,000, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, शायद 40 तक मिल जाएगी, 40 तक मिल जाएगी, फिर भी मैं थोड़े कम और कम दूंगा, 37 में, 37,888। जी सर प्लीज़ नाराज़ मत होना। और दे दिया भाई, 37 की मिल गई। इसका तो है यार, ये डैमेज है, इसका डोर ही डैमेज है, बाकी कार अच्छी दिख रही है। अभी लास्ट ये भी खरीद लेते हैं, सुपरा तो खरीद ली है, पांच गाड़ियां खरीद ली भाई। जल्दी से चलते हैं और इनकी ट्यूनिंग करवाते हैं। सुपरा की यार स्पीड अच्छी है, इसमें रेसिंग किट शायद नहीं, ड्रिफ्ट किट पड़ी हुई है यार, तभी तो सही से नहीं चल रही। मुझे ड्रिफ्ट किट यार बिल्कुल नहीं पसंद, ड्रिफ्ट किट में गाड़ी सही से चलती नहीं है। तो जल्दी से चलते हैं, इनसे बोलते हैं कि भैया हमारी कार जल्दी से रिपेयर कर दो, टाइम मत लेना। ओ भाई बहुत डैमेज है, $800 दिए मैंने इसके लिए, ये भी 520। और अपनी लैम्बोर्गिनी आ गई है रिपेयर होके, बट रात हो गई भाई, तो अभी ट्यूनिंग नहीं करवा सकते हैं, हमें जाके सोना पड़ेगा। सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँ, कंटेनर और नेबरहुड? कंटेनर पास होता है, नेबरहुड भी सेम ही होता है, चलो नेबरहुड चलते हैं। अभी ज़्यादा रात हो गई है, जल्दी से सो जाओ। और आज हमने 7,91,000, करीब करीब 8 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं भाई, 8 लाख रुपए खर्च किए हैं। और आज फिर कार ऑक्शन ओपन है यार, मुझे कोई रेयर कार क्यों नहीं मिल रही है, आज फिर हम ट्राई करेंगे, शायद कोई रेयर कार मिल जाए। वैसे रेयर कार मुझे फर्स्ट रेयर कार जो GT मिली थी वो मिली थी 105वें दिन, और 105वें दिन समझ सकते हो यार, इस गेम में ना जो रेयर कार है उन्हें बहुत ज़्यादा रेयर बना दिया है। अभी 118 है, हो सकता है 150वें दिन पे मिले या फिर 200वें दिन पे मिले, बहुत ज़्यादा रेयर कर दिया। जी सर ट्यूनिंग करिए इसकी, रेसिंग किट डाल दो, NOS टर्बो सब डाल दो, सस्पेंशन बिल्कुल जीरो, कहते हैं जितना कम सस्पेंशन उतनी ज़्यादा स्पीड पकड़ती है गाड़ी। और यहाँ तो अपना फेवरेट नंबर 0001, व्हील्स ये अच्छे दिख रहे हैं, ये सस्ते वाले 3,000 के डलवाएंगे, 5,000 क्यों, जब मुझे बेचना ही है एट द एंड से, एट द एंड से बेचना ही है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, 2,000 तो बच जाए वही फ़ायदा। अरे नहीं भाई, इन गाड़ियों की ब्रेक्स नहीं सही है। और ये लैम्बोर्गिनी तो मुझे सच में बिल्कुल डब्बा लगती है, फेरारी ऑडी वगैरह तो फिर भी लगती हैं कार है, बट ये लैम्बोर्गिनी बिल्कुल नहीं लगती। इसका मैं करूँगा डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर अच्छा लगेगा, पॉलिश फुल, मेटेलिक फुल, ये सही है, डार्क ग्रीन कलर बेस्ट यार, चमक कितनी रही है। अभी बाहर है धूप में, ओ भाई मस्त कलर है बिड़ू। चलो जल्दी टो करा देते हैं और लास्ट अपनी फिरारी भी उठा ले, उसे भी ट्यूनिंग करवा देते हैं। जी सर आप खड़े यार, मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती, इस गेम में ना एक और चीज़ अपडेट होना चाहिए, आप लोग बताना। जैसे हमारी गाड़ी अगर रिपेयर हो जाती है तो फिर भी इनके स्टेशन पे खड़ी होती है, तो ये लोग कैसे बिजनेस कर रहे हैं? अगर हम चाहें तो सुबह से शाम तक पूरे 4-5 दिन भी यहाँ पर खड़ी रखें, तो उसके बाद ये लोग का ना कोई काम नहीं होता है। इसमें एक अपडेट होना चाहिए कि जैसे ही हमारी गाड़ी रिपेयर हो तो एक दूसरा स्टेशन हो या पार्किंग बगल में हो, हमारी गाड़ी रिपेयर होके उस पार्किंग में चली जाए और वहाँ से हम पिक कर लें, ताकि इनका भी धंधा तो चलता रहे ना यार। थोड़ा गेम के मेकर्स को मेरी बात पे गौर करनी चाहिए भाई, हमारी गाड़ी जैसे ही कंप्लीट हो रिपेयर से वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए ऑटोमेटिक, या फिर हमारे यहाँ छोड़ के आ जाएं ये लोग। ओ ये कलर अच्छा है भाई, सोचो ना यार कितना अच्छा हो, अब जैसे गाड़ी रिपेयर करके ये लोग डिलीवर कर दें हमारे ऑफिस तक, फिर हमें ना बार बार यहाँ आना नहीं पड़ेगा, एक बार हम आए रिपेयर के लिए बोल दें और रिपेयर हो जाए और फिर ये लोग ड्रॉप भी कर दें, क्या मस्त होगा यार।
और अपने सुरेश चिचा देखो गाड़ी की सफाई कर रहे हैं, अपने पास गाड़ियां बहुत हो गई हैं। ओ भाई नहीं ठुकना नहीं ठुकना नहीं, अभी रिपेयर करवा के आ रहा हूँ मैं। मेरा गला बैठ गया, सॉरी गाइस। ओके हाँ ठीक है लग गई। अभी यार मैं फंस गया, इसमें इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि मैं निकल सकूं। अरे निकालो सुरेश चचा, मुझे बाहर निकालो। भाई मैं बढ़ भी नहीं पा रहा हूँ आगे, बिल्कुल भी फंस गया हूँ। धीरे 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 अभी निकल गया, अभी निकल गया। सुरेश चचा साफ कर रहे हैं अपनी गाड़ियाँ, अपनी लैम्बोर्गिनी को भी ये अंदर खड़ी कर देते हैं। यार ये गाड़ी अच्छी दिख रही है ना, ये इसका एक तो ये डार्क ब्राउन कलर और जो वाइट स्ट्रिप दिख रही है ना चारों तरफ, वो बहुत अच्छी लग रही है। विंटेज कार है, वैसे स्पीड नहीं है इसमें, थोड़ी स्पीड होती तो मैं ज़रूर इसे अपने लिए रख लेता। मुझे चाहिए स्पीड वाली कार। तो भाई लैम्बोर्गिनी भी यहाँ लगा देते हैं। और मैं सोच रहा हूँ ना अभी अपना जो ऑफिस का एरिया है उसे भी अपग्रेड कर देते हैं थर्ड लेवल पे, जो करीब 7.5 लाख की है। बट फिलहाल मैं अपनी गाड़ियाँ जो लेके आया हूँ उन्हें लगा देते हैं सेल पर, ताकि कस्टमर आए जल्दी से ख़रीद के ले जाएं और जल्दी से हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएं। लैम्बोर्गिनी को बेचना है यार, मैं सोच रहा हूँ ना अपने जो निसान है उसे बाहर रखूँ ऑफिस के, ऐसा ना हो किसी दिन मैं याद ना रखूँ भूल से वो भी सेल पर लग जाए और मैं बेच दूँ उसे, तो पंगे हो जाएंगे भाई। बहुत मुश्किल से वो मिली है, 105 दिन के वेट के बाद मिली है वो। फिरारी हमने ख़रीदी है 2,42,000 में, तो इसके 5 लाख मिलेंगे क्या? डालूंगा तो 5 लाख, बट 4.5 तक बेच दूंगा मैं, 2 लाख प्रॉफिट होना चाहिए अपने को। 72,000 में इसके भी 49 मिलेंगे नहीं मुझे पता है, बट मैं डाल देता हूँ, थोड़े ज़्यादा ही डालूंगा, फिर बारगेन में वो लोग कम करवा लेते हैं। टोयोटा सुपरा भी ये वाली बेच देता हूँ, क्योंकि अपने पास 3 सुपरा हैं, एक रखूँगा पर्सनल के लिए बाकी सारी बेचूँगा। 1 लाख की तो बिकी जाएगी सुपरा। चलो जल्दी ऑफिस ओपन करो और कस्टमर आए। अभी थोड़ी देर के लिए मैंने इसे नहीं बेची है, ये रख लूँगा अपने पास थोड़ी देर। और कस्टमर आ गए भैया, इसकी ट्यूनिंग करवानी बाकी थी, मैं यहाँ ट्यूनिंग करवा लूँगा वरना पैसे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जी सर ट्यूनिंग कर दो। यार टर्बो एनएस तो शायद ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है, सस्पेंशन भी ठीक है, करवा दिए यार मैंने, करवा दिए, मैं भूल गया था, कोई ना। अभी अपने पास शायद 5 मिलियन होंगे क्या? कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं भाई, 1 मिनट, ये गाड़ियाँ रुकती नहीं है, ब्रेक नहीं लगाते, साले ठोक देते हैं। और इससे मैं खड़ी करता हूँ बाहर, जल्दी से चल के अपने पार्किंग के पास। और कस्टमर, अरे मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। देखो हेलो भैया, टोयोटा सुपरा, तुम लास्ट टाइम लैम्बोर्गिनी लेके गए थे अपने भाई के पास जब आए थे, सही प्राइस बता रहा है, बट फिर भी मैं सबसे पूछना चाहूँगा। अरे टॉक टॉक टॉक, ऑप्शन ही नहीं आ रहा। हाँ अभी आ, वो 92 दे रही है, 99 मैंने मांगे और ये 92 दे रही है, तो मैं फिर से 99 बोलूँगा, शायद सेम प्राइस दे देगी। और बिक गई भाई सुपरा तो बिक गई, आप किसके लिए हैं मैम? अरे ओ भाई ये क्या हुआ, फिर से वो मुझे पार्किंग में मैंने भेज दी और वो गाड़ी के ऊपर गिरी पलट गई, क्या हो रहा है मेरे साथ भाई। मैंने 5 लाख मांगे और ये 4 लाख दे रही, रुको, पहले इनसे मैं देख लेता हूँ कितने रुपए देंगे। जी भैया टोपी वाले, तुम्हें इतनी धूप में भी ठंडी लग रही है, 4,37 अच्छा प्राइस दे रहे हैं, 4,99 मैंने मांगे हैं, आप कितने दे रहे हो मैडम? 4,43, पहले इससे बारगेन करता हूँ, सबसे ज़्यादा यही दे रही है, 4,999 मैम। अरे भाई मिल गए, चलो बिक गई फिरारी भी, अभी बाकी है अपनी लैम्बोर्गिनी।
755 भाई 5 लाख ही दे रहा है। अब 2-2.5 लाख तो ऊपर जाएगा नहीं। और देखो ये गाड़ी मेरी कहाँ पड़ी हुई है। ऊ सीधा कैसे होगी ये? हाँ होगी होगी होगी, मुझे लगा ये ऐसे ही पलटी रहेगी। तो चलो जल्दी से इसे अंदर खड़ी करते हैं। इस बार यार कोशिश करूँगा कि मुझसे ये ना हो गड़बड़ी दोबारा। जल्दी से, अरे एक रेस तो ये हार चुकी है लैम्बोर्गिनी से, बट एक रेस और करवाऊँगा मैं इस गाड़ी से। ये 2 गाड़ियाँ बेच दूँ फिर रेस करते हैं। जी मैम 617 बोल रही है और मैंने 755 लगाए हुए हैं सेल पर, 722। मैम थोड़ा तो प्रॉफिट मुझे भी मिले ना, 388 की खरीदी है। ओ भाई बिक गई 722 की, बिक गई, बहुत प्रॉफिट हो रहा है, 3 लाख से ऊपर हो गए अपने पास। अभी 149 डाला और 102 दे रही है। ओ भाई ये भी 121 दे रहा है, तो 144 में थोड़ा सा बार्गेन करता हूँ। 1,44,444 रुपये आपके लिए सर। नहीं ज़्यादा डालूँगा, ठीक है 44 ही डालूँगा, दे देगा शायद, देगा नहीं यार भाई, ये 121 पे ही टिका हुआ है। आई एम थिंकिंग अबाउट लीविंग भाई, ये बोला मैं जा रहा हूँ, जल्दी से देना हो तो दो वरना मैं जा रहा हूँ। थिंक द प्राइस यू मेड अ रियली ग्रेट भाई, 133 में बिक गई, मैंने पहले कहा था 1.5 लाख में तो नहीं बिक रही है। तो भाई मैं आ गया हूँ और रेस पे। ओ भाई देखो नई लैम्बोर्गिनी, नहीं फिरारी है, फिरारी। और ये क्या स्पोर्ट्स कार है भाई, मैं सुपरा लेके आया था रेस करने और देखो 28,000 की बेट लगा रहे यार। ये रेयर कार क्यों नहीं आती इसमें, बट मैं सुपरा से हार जाऊंगा यार। लास्ट अभी लैम्बोर्गिनी से की थी बीएमडब्ल्यू के साथ, वो भी हार गया था, और ये मैं नहीं हारना चाहता। इसके लिए मैं अपनी निसान GTR ही लेके आऊंगा। और मुझे नहीं पता यार ये इतनी स्पोर्ट्स कार दिख रही है, जैसे वो नहीं होते हैं रेस कार वाली, तो पता नहीं अपनी GTR जीतेगी या नहीं यार। मुझे कॉन्फिडेंस तो थोड़ा कम ही है, बट फिर भी मैं GTR लेके जाऊंगा, क्योंकि अपनी टॉप स्पीड वाली कार तो वही है GTR ही। वो भाई रात हो गई, अरे यार वो लोग चले तो नहीं गए होंगे, अरे इस तरफ से नहीं उस तरफ से। अबे यार जब जल्दी होती तो क्या मैं सुपरा में बैठ गया। भाई रात हो गई, अब पता नहीं रात में तो सब लोग चले जाते हैं, बट मैं जाके देखूंगा, एक बार देखूंगा यार, वो कार बार बार नहीं आने वाली। रेयर कार है वो, रेयर कार है। और भाई है, दिख तो रहा है। इससे तो रेस करके जाऊंगा भैया। तुम सोचते क्या हो, मैं भी लेके आ गया अपनी गाड़ी। भाई मुझे लग रहा है हम हार जाएंगे, अभी 22,000 कर दिए। मेरे पास छोटी गाड़ी थी तो ज़्यादा रुपए थे, 28,000 थे। अभी मैं जब निशान लेके आया तो 22 कर दिए यार, ये लोग बहुत होशियार हैं। क्या निशान अपनी जीतेगी इससे, कमेंट करो जल्दी कमेंट करो। वैसे थोड़ी देर बाद तो देख ही लोगे जीतेगी या नहीं, बट मुझे कॉन्फिडेंट नहीं है यार। वो कितने स्पोर्टी लुक का है यार, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी भाई। आगे इस बार तो थोड़ा आगे ही रहूँगा मैं, बार बार ज़्यादा पीछे नहीं रहूँगा, ऐसा ना हो एकदम हवा से भागे। अरे गुड शिफ्ट, नहीं भाई, अरे मैं लेट कर रहा हूँ फिर भी अब कुछ भी नहीं करूँगा। अरे यार 12 मिनट, शिट। नाम बड़े और दर्शन थोड़े या छोटे, भाई मुझे लगा ये ना एक स्यूंग करके निकलेगी इतनी स्पीड में, बट नहीं ये तो फुस हो गई। इससे तो मैं सुपरा से ही जीत लेता यार, सुपरा ये 10 सेकंड में पहुंच जाती है, रेस कंप्लीट कर देती है अगर हर बार बेस्ट लगे तो। अब ये ट्रक से थोड़ी ना करूँगा ना यार, अपनी निशानी बेस्ट है। मैं तो सोच रहा था क्या यार वो फरारी कितनी अच्छे स्पोर्टी लुक लग रहा है, वो जीत जाएगी, बट नहीं
चलो यार चलते हैं, अभी रात हो गई है, रात में सब काम बंद है। तो भाई हम 5 मिलियन तो कर नहीं पाए आज, 3.3 मिलियन पर ही रह गए। तो ठीक है कोई ना, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब लोग खुश रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो, और अगर चैनल पे ना हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।